निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। तो मैंने बताया कि पिछले 70 साल में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है, वह समस्या है। तो क्या यह समस्या पहले यानी देश आजाद होने से पहले थी या नहीं थी, इस पर भी हमें सोचना समझना होगा। सबसे पहले कोई सामाजिक कार्यकर्ता यदि समाज का जागरण करता है, समाज को जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? आदिवासी ही रोकने के लिए सामने आता है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके समझना होगा। जब भी आदिवासी समाज का जागरण करते हो तो आदिवासी ही सबसे पहले हमारे सामने आता है। यह बात 1950 से पहले नहीं थी। यह आदिवासियों का पिछले 70 साल में एक समस्या पैदा हुआ है, जो 70 साल से पहले यह समस्या नहीं थी। इस समस्या का क्या समाधान करना है, उसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसे बताया, हमारा समाज की सबसे नंबर वन कोई समस्या है तो वह निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। साथियों थोड़ा पानी देना। अब इसके बारे में हमको अच्छे तरीके समझना होगा। यही बात मैं सबसे अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होने की वजह से क्या समस्या पैदा होती है। हम लोगों ने देखा है, कोई समाज निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है, यही एक बात मैं अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। मेरे देश का, पूरे भारत का आदिवासी समाज यहां मौजूद है, उसके सामने यह बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हमें अच्छे तरीके समझना होगा। जो कौम भ्रमित होती है यानी भ्रम से ग्रस्त होती है, भ्रम से ग्रस्त होने का मतलब है निर्णय लेने का अभाव। कोई चीज किसी व्यक्ति को क्लियर नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बात किसी इंसान को क्लियर नहीं होती है तो वो स्थिर हो जाता है। किसी व्यक्ति को क्या सही है और क्या गलत है वो क्लियर नहीं होता है तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने की वजह से न तो इधर के बारे में सोच पाता है न इधर के बारे में सोच पाता है। यह आज आदिवासियों की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है तब वह दूसरों के द्वारा लिए गए निर्णय को मानता है। वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता, जो दूसरे लोग निर्णय लेते हैं वो मानता है, और इसी वजह से न तो हम राजनीतिक रूप से सफल हुए, न धार्मिक रूप से सफल हुए, न सांगठनिक रूप से सफल हुए, न ही हम लोग हमारे भौगोलिक एरिया जहां हमारी संख्या 70 से 80% है वहां पर भी हम लोग सफल नहीं हुए। आप लोग नर्मदा जिले की बात देख सकते हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 70 से 80% प्रजा हमारी है, इसके बावजूद भी हम लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए, इसकी वजह से आज हमारे सामने प्रॉब्लम हुआ। मानगढ़ का उदाहरण देख लीजिए। मानगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है, और उस ऐतिहासिक स्थान को आज की तारीख में धार्मिक प्लेस के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्थान, वो हमारे महापुरुषों का ऐतिहासिक स्थल है, उसको धार्मिक स्थल के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका परिणाम हमारे लिए सुखद नहीं होगा। यह है परिणाम
जिसकी वजह से हम लोगों को निर्णय लेने लायक बनना होगा। और आप लोग निर्णय लेने लायक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को भ्रम से बाहर निकलना होगा, हमारे समाज को भ्रम से ग्रसित रखने के लिए। पॉलिटिकल लोग भी काम करते हैं, धार्मिक लोग भी काम करते हैं। यहाँ पर पाबंदी है मेरे लिए बोलने का, क्या कि पॉलिटिक्स पर नहीं बोलना है और धर्म पर नहीं बोलना है, लेकिन दो बड़ी बीमारियों पर ही नहीं बोलना है तो किस पर बोला जाए। हमारे डूंगरपुर जिले में आदिवासियों को रोकने के लिए हमको एक आदिवासी की जरूरत थी, हम लोग डूंगरपुर जिले का जिला परिषद का बोर्ड बना सकते थे। और दोनों पार्टियों के दलाल लोग एक हो गए और आदिवासी असली आदिवासियों को हराया। यह भारत देश के इतिहास में पहली बार होने वाला था कि पूरा का पूरा बोर्ड आदिवासियों का बनने वाला था। इतनी बड़ी बात इन लोगों ने रोका, ये कितनी बड़ी बात है। यदि वो लोग जो दोनों पार्टियों में ये आदिवासी थे वो निर्णय लेने लायक होते तो आदिवासियों का बोर्ड बनता। और गंभीर बात, जैसे जैसे आदिवासी एक होगा, आदिवासियों की पूजा पद्धति, आदिवासियों की विवाह पद्धति, आदिवासियों का सांस्कृतिक एकीकरण होगा तो तीन धर्म के लोग भी एक दिन एक हो जाएंगे। ये याद रखना, तीन धर्म के लोग वो भी एक तरफ होंगे और आदिवासी एक तरफ होगा, लेकिन आदिवासियों का सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण भी कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोगों को दिल खोल करके हम लोगों को समाज के लिए बोलने की हिम्मत डेवलपमेंट करना होगा। मेरे जैसा आदमी, बीमार आदमी, बड़े जोश से और सत्य बोलने की हिम्मत करता है तो आप लोग भी सत्य बोलने की हिम्मत करते हैं तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आत्मविश्वास विकसित करिए और सच बोलने की हिमाकत करिए, आप लोग हर हाल में जीतेंगे। हम लोगों ने देखा यहीं पर झाबुआ में दिलीप सिंह जी भूरिया, उन्होंने एक सपना देखा था कि हम आदिवासियों का एक राज्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैंने नहीं कहा, हमारे बड़े बड़े लोग कह के गए हैं। लेकिन जब भी इसके बारे में भी आप बात करोगे तो मैंने पहले ही बताया है, हमको रोकने के लिए आदिवासी ही सामने आएगा। ये पिछले 70 साल में एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि एससी समाज का आदमी यदि एससी समाज का जागरण करता है तो उसको रोकने के लिए एससी ही आता है। ओबीसी समाज का आदमी ओबीसी को जोड़ने का प्रयास करता है, ओबीसी ही सामने आता है। और मुस्लिम समाज भी एक करने का प्रयास करता है, उसको रोकने के लिए मुस्लिम भी आता है। ये तीन उदाहरण आपके सामने मैंने इसलिए लिए हैं। ये जो स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं, जरा नीचे उतर जाइए, इधर भी, ये बैनर के ऊपर से चल के जा रहे हैं, ये गलत चीज है। आप लोग नीचे उतर जाइए और स्टेज पे कोई नहीं आएगा। ये हमारा महासम्मेलन का बैनर लग रहा है और उसके ऊपर पैर रख के लोग जा रहे हैं, बूट पहन के। सब साथी नीचे उतर जाइए प्लीज। अरे भाई, ये भी अगत्य का काम है ना, जरा सुनने दे, ऐसा क्यों बोलो, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे। बैठिए, आप यहाँ बैठिए प्लीज। सही बात है, इसको अनुशासन बनाए रखे भाई। जी सर, चालू रहे भाइयों, उद्घाटन बाकी है तो हमारा बैनर का भी सम्मान करना होगा। ये हमारी थीम है, उस थीम पूरे आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसका सम्मान हमको करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आदिवासियों की समस्याएं मूल मूल क्या है,
तो एक मैंने समस्या आपके सामने आइडेंटिफाइड किया कि निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। बेशक इस क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है, हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले 28 साल पहले सोचा था कि आदिवासियों की एकता होनी चाहिए, ये एक जमाने में निर्णय लिया था। उसका परिणाम है कि आज भंवरलाल परमार बोल रहा है। भंवरलाल परमार आदिवासी एकता परिषद की ही उपज है, इसलिए हम लोगों को इस बैनर का भी हमें सम्मान करना है। तो मेरे भाइयों, मैं बता रहा था कि हम लोगों को हमारे भौगोलिक क्षेत्र को एकीकरण करना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में दो चार बातें महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। आज की तारीख में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं तो वो केवल गुजरात के लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ा। यदि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए महाराष्ट्र के आदिवासियों की आवाज शामिल होती, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की आवाज शामिल होती और राजस्थान के भी आदिवासियों की आवाज शामिल होती, तो क्या आज की तारीख में नर्मदा जिले में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो हो पाता मेरे भाइयों? नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोगों को भौगोलिक एकीकरण बहुत जरूरी है। भौगोलिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण और धार्मिक सांस्कृतिक एकीकरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं। आज की तारीख में हम लोग जब भी महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे समाज में आपने देखा होगा कि महिलाओं को जितनी आजादी है, महिला जितनी फ्रीडम आपका महसूस करती है, उतना किसी भी अन्य समाज में नहीं है। भारत में एकमात्र आदिवासी समाज है जिसमें महिलाएं आदमी के बराबर काम करती है, आदमी के बराबर आपका फ्रीडम महसूस करती है, आदमी के बराबर हर काम करती है। तो क्या ये जो आदिवासियों में महिलाओं की आजादी है उसकी उन्हीं जीवन मूल्यों को आधार मान करके हम लोग दूसरे समाज के लोगों की महिलाओं का भी जागरण कर सकते हैं? वो कब होगा? जब आज की तारीख में हमारे पितृसत्ताक व्यवस्था आदिवासियों में भी लागू हो रही है, उसको हमें रोकना होगा और महिलाओं को लीडरशिप देनी होगी, महिलाओं को आगे लाना होगा, महिलाओं को अच्छे से अच्छा बोलना सिखाना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन के मामले में इस पूरी दुनिया को कोई संदेश दे सकता है, कोई आदर्श मॉडल दे सकता है तो वो आदिवासी समाज है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े पर्यावरणविद कह रहे हैं, पूरे यूएन लेवल के। आपका जो 2015 में पेरिस समिट हुआ था उसमें भी बात चली थी कि यदि भारत के आदिवासियों की जीवन शैली पूरी मानव जाति, मानव प्रजाति एक्सेप्ट कर ले तो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या का निराकरण भी हो सकता है। यह आप सबके लिए बहुत गर्व की बात है मेरे भाइयों। और आज की तारीख में हमने देखा है कि आदिवासियों के अंदर पहले जमाने में जो अनाज, जो हम लोग साग भाजी खाते थे, वो साग भाजी आज की तारीख में हम उत्पादन नहीं कर रहे। आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमने पिछले सालों में देखा कई प्रकार की डिशेज। अभी बात चल रहा था हमारे अन्न का, महुए के बारे में बात चल रही थी, तो हम आदिवासियों को वो अनाज उगाना चाहिए जो अनाज कभी आपका क्या कहते हैं उसमें कीड़ा नहीं लगता है। ऐसी चीजें भी हम लोगों को डेवलपमेंट करके उसका मार्केटिंग करना सीखना होगा। यदि इस तरीके से आदिवासियों को आप लोग सशक्त बनाते हैं तो आदिवासी समाज इस तरीके से भविष्य में खड़ा होगा कि शरीर से भी मजबूत हो सकता है, दिमाग से भी मजबूत हो सकता है और शरीर और दिमाग से आदिवासी एक आपका मजबूती हासिल करेगा, आत्मविश्वास हासिल करेगा, मेंटली रूप से मजबूत हो जाएगा तो आदिवासियों की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे डूंगरपुर जिले की बात करें तो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा जनजागरण चला, उसके तहत आदिवासियों पर बहुत सारे आरोप लगाए गए और पिछले दिनों हमारे डीजीपी महोदय ने ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि आदिवासियों के ऊपर जो आरोप लगाए वो आरोप निराधार है, ये बोला। जबकि हमारे अपने लोग
हमारे अपने लोग आरोप लगाते थे, तो मैं उन तमाम मेरे भाइयों जो हमारे से वैचारिक ग्रुप से इत्तफाक नहीं रखते हैं, हमारे से किसी संगठन की दृष्टि से इत्तफाक नहीं रखते हैं, उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी समाज को बचाना है तो ये अंतिम पीढ़ी है, ये अंतिम अवसर है। आज की तारीख में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि यदि आदिवासियों की पूजा पद्धति भूल गए, ये लाइन याद रखना, यदि आदिवासी अपनी पूजा पद्धति भूल गए तो आपके ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि आदिवासी आपका लड़ना झगड़ना अर्थात पूर्वजों के जमाने का हथियार संचालन का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हमें युद्ध लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है, लेकिन हम लड़ने की क्षमता खो बैठे तो हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि हम लोग अपना व्यापार यानी हाट बाजार चलाना भूल गए, व्यापार चलाना भूल गए, तो भी हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। और यदि हम लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया तो भी हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो रही है। और एक बात मैंने मध्य प्रदेश में देखता हूं कि मध्य प्रदेश के भाई टंट्या भील को तो बहुत बड़े पैमाने पर मानते हैं, टंट्या भील को बड़ा महापुरुष मानते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं, लेकिन जब भील की बात आती है तो उसको नीचा समझते हैं। सही बोला गलत बोला है? जब भील की बात आती है तो नीचा समझते हैं। कई लोग मेरे को कहते हैं कि भील को तीसरे नंबर पे माना जाता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि भील को पहले नंबर लीजिए, यहां एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आदिवासी समाज में ऊंच नीच नहीं होती है। यदि आदिवासी समाज में ऊंच नीच हो गई तो आप आदिवासी नहीं रहोगे, ये किसको पता है? इसलिए मेरे भाइयों, ये आदिवासी ऊपर, ये आदिवासी नीचे, ये आदिवासी नीचे, यदि आप ये करते हो तो आज की तारीख में भूल जाना। क्या आप ये मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। आज के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदिवासी ऊंचा नहीं, आदिवासी नीचा, ये बात बहुत ध्यान रखना। और दूसरी बात, कई बार देखा गया है कि हम छुआछूत भी बरतते हैं, यदि आदिवासी में छुआछूत हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो आदिवासी समुदाय नहीं रहेगा, जाति में बदल जाएगा। यदि आदिवासियों में छुआछूत और ऊंच नीच हो गया तो जाति में बदल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से कहते हैं कि भिलाला संस्कृति, पटेलिया संस्कृति, बारेला संस्कृति, चौधरी संस्कृति, पाड़वी संस्कृति, वसावा संस्कृति, घामित संस्कृति, यदि इस तरीके से श्रेणीकरण करेंगे, ये भी बात समझना, श्रेणीकरण करेंगे तो भी हम जाति में बदल जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीबीएसई की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जो समाज जाति और वर्ण से बाह्य है वो आदिवासी है, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता, जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, वो आदिवासी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एपी सेन का, उसमें भी कहा गया है कि आपका जिसके ऊपर मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लाल अगुनी होता है वो आदिवासी है। और मिताक्षरा किसको कहते हैं? मिताक्षरा उसको कहते हैं जिसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जिस समाज पर लागू होती है वो मिताक्षरा से रूलिंग करते हैं, और जो लोग मिताक्षरा से रूलिंग नहीं करते वो जाति और वर्ण व्यवस्था से बाहर होते हैं, वो अपने कस्टम से रूलिंग होते हैं। तो आदिवासी वे लोग हैं जो अपने कस्टम्स के द्वारा स्वयं रूलिंग होते हैं।
इसलिए ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, इन टेक्निकल बातों को हमें समझना होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमको अपनी पूजा पद्धति नहीं छोड़ना है, विवाह पद्धति नहीं छोड़ना है, हाट बाजार नहीं छोड़ना है, हम लोगों को हमारी संघर्ष क्षमता खत्म नहीं होनी चाहिए, आपका श्रम करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं जाएंगे और ऊंच नीच छुआछूत इसको हमें किसी भी सूरत में हमारे समाज में डेवलपमेंट नहीं होने देना है और श्रेणीकरण भी नहीं होने देना है। ये 5-7 बातें आप लोग मेरा इतना जितनी बातें मैंने बताई उसमें सब भूल जाना, लेकिन उसको याद रखना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग निर्णय लेने की स्थिति में आइए और भ्रम से बचिए। ये बात हम लोगों को समझना है। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वनवासी नहीं आदिवासी हैं हम, वनवासी नहीं आदिवासी हैं हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक हैं हम। जय जोहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। कुछ गलत कह दिया हो तो माफी, जय जोहर, धन्यवाद।